अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर चौधरी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोरियस। आज लाहौर के खानों में से एक बेहतरीन खाना लच्छेदार पराठा और चाय हम टेस्ट करने आए हैं दरोगे वाला का। ये इलाका दरोगे वाला और यहाँ पे है पाकिस्तान होटल, जहाँ पे लच्छेदार पराठा और उसके साथ चाय जो है गर्मा गर्म उसका टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो चलते हैं अंदर जाके लच्छेदार पराठा और चाय का जो है टेस्ट करते हैं। जनाब हम अंदर आ चुके हैं, अभी हमने ऑर्डर किया है और जो है पराठा कैसे बनता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलें फिर पहले पराठे को बनता हुआ देखते हैं। लच्छेदार पराठे आ चुके हैं, साथ गर्मा गर्म चाय है। तो लच्छेदार पराठा जो है इसका जायका थोड़ा आम पराठे से बहुत मुख्तलिफ होता है और जब ये बनता है तो वो भी आप देख रहे होंगे कि बड़ा मुख्तलिफ है इसको बनाने का तरीका। तो ये जो पराठा है ना, ये वैसे बेसिकली जो है बलोचिस्तान में, क्वेटा में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है लच्छेदार पराठे को चाय के साथ डिप करके खाया जाता है। लेकिन लाहौर में भी जो है बिल्कुल बलोचिस्तान की तरह जिस तरह वो बनाते हैं उसी तरह बनाया, तो इसको टेस्ट करते ही बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। आगे वो नज़र नहीं आएगा ना पूरा, बहुत ही ज़्यादा जो है इसका जायका। इसमें थोड़ी सी मिठास है जो चाय के साथ और जो है आपको जायका देती है और इसमें इजाफा करती है। चाय भी जो है इनकी टेस्ट करते हैं, स्पेशल दूध पत्ती है और इसमें जो है इसमें भी मीठा जो है बहुत मुनासिब है। वरना आप किसी भी होटल पे जाएँ, लोकल होटल पे, तो वहाँ पे आपको मीठा जो है इसमें ज़्यादा मिलता है, जो आपको बोझ लगता है और चाय जो है वो आपको अजीब सी लगती है। लेकिन ये इसका जो कम्बिनेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें हल्की सी मिठास है और इसमें भी हल्की सी मिठास है, तो दोनों का जायका जो है मिक्सअप होके बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। व्यूअर्स, हमने चाय और पराठा जो है गरम गरम खाया है। लेकिन एक और मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई ने जो है एक मेहमान नवाजी की है, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो है हमारी जो है बहुत अच्छी चीज़ खिलाई और बाकी में वो एक लजीज चीज़ है। आप ही आएँ, टेस्ट करें और आप इसके जो है खानों का मज़ा ले सकते हैं। व्यूअर्स, हमने जो है वो लच्छा पराठा और जो है चाय पी, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर भी एक फूड स्ट्रीट है और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं। चलते हैं, छोटी सी फूड स्ट्रीट है तो देखते हैं वहाँ पे इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं। पराठा के बाद जो है सीन चल रहा है यहाँ पे ना शकरकंदी का। शकरकंदी मुझे बेसिकली बड़ी अच्छी लगती है, चटपटी चीज़ें। तो यहाँ पे रफीक साहब है, उनका ठेला है, तो जाते हुए मैंने कहा इसके भी टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो उन्होंने जो है चटनी डाली है और हमें जो है एक प्लेट बना के दे रहे हैं।
आपको टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मज़ेदार जो है शक्करकंदी जो है चटनी के साथ कैसे लग रही है। शक्करकंदी बड़ी अच्छी है, वरना अक्सर वो होता है उसके अंदर बाल होते हैं और वो आपके मुंह में फंस जाते हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे आलू खा रहे हैं आप, जायका उससे अच्छा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी है। जो ऊपर मीठी चटनी है और मसाला है, इससे जो है इसका मज़ा ही दुबाला हो गया है। बहुत मज़े की है। इसके ऊपर किन्नू का जो है वो रस डाला गया है, और इसके मीठी चटनी और मेरे का और भी मसाला है, जैसे आमचूर वगैरह जो इनका कोई होममेड बना हुआ है, उसकी वजह से जो है ना इसका जायका ही ज़रा है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत मज़े का है। इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में जो खाने बनते हैं वो पाकिस्तान में और भी जगह पे बनते हैं, लेकिन लाहौर में हर गली हर मोहल्ले हर रोड पे आपको कुछ ना कुछ बहुत फेमस मिलेगा। तो जहाँ भी जाते हैं खाने ही खाने, शाम को लोग लाहौरी जब निकलते हैं तो खाने पीने के लिए निकलते हैं और उन्हें कोई भी काम नहीं होता। व्यूअर्स, ये है दरोगे वाला चौक। यहाँ पे आपको फ्रूट, खाने पीने की अशिया, फास्ट फूड और देसी खाने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि लाहौर के किसी भी कोने में जाएंगे आपको खाने बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी अगर ये फ्रूट की बात करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चमकता हुआ और फ्रेश फ्रूट भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। रास्ते में जो ठेले लगे हुए हैं, हर जगह आपको मुनासिब कीमत में हर फ्रूट मिलेगा। लेकिन सेब है, उसकी भी अच्छी क्वालिटी है, माल्टा है, तो देख के दिल जो है वैसे ही खुश हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको फ्रेश मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और साफ़ सुथरे आपको रोड पर मिल सकते हैं और रेट्स भी बड़े मुनासिब होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर रात को आके दिल खुश हो जाता है, काफ़ी रौनक होती है, खवातीन बच्चे और बस जो है शॉपिंग भी करते हैं और जो है यहाँ से फ्रूट भी खरीद कर सकते हैं। आइए, मैं भी कहा तलाश कर रहे थे साग और पराठा, आखिरकार वो साग और पराठे का जो सेटअप हमें मिल चुका है, जो दरोगे वाले का सबसे मशहूर साग और पराठा है। तो वो कह रहे हैं कि 10 मिनट लग जाएंगे, उस पराठे को टेस्ट करते हैं और साग के साथ उसका जायका कैसा है, क्योंकि मौसम जो ही तब्दील होता है। लाहौर में साग का जो है वो सारे हर जगह पर स्टॉल लग जाते हैं, मुख्तलिफ ठेले होते हैं मुख्तलिफ दुकानों पर, तो अभी वो स्टॉल जो ही तैयार होता है तो साग को टेस्ट करके आपको बताते हैं। इस वक्त जो है काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिर देसी घी में साग और पराठा आ चुका है। हमें तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं इनका वेट करते हुए, क्योंकि हमें इनके शेड्यूल का पता नहीं था, तो अब शेड्यूल का पता लगा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसी शेड्यूल पे आएंगे। इनके पास जो है सादा पराठा, मूली पराठा और आलू वाला पराठा सब मिलता है। बहुत प्यार वाले भाई हैं, सही मुश्ताक इनका नाम है। तो आपने जब भी आना हो, इनका कहना है, तो आपको मैं आज विज़िट कराना चाहता कि घर का खाना, देसी खाना, साग जो है उसको हम आज टेस्ट करने आए, और 4 घंटे हमें हो चुके थे भाई का वेट करते हुए। तो इसको पहले टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ।
साग बना हुआ है, ये देखिए देसी घी भी है और साग को तड़का भी बड़ा परफेक्ट लगा हुआ है। घी के साथ पराठा जो है भाई का खाया, 4 घंटे वेट करने के बाद वाकई जो है 4 घंटे वेट हमने किया है, हमें जायका मिला है और जो है ये नहीं हुआ कि हम 4 घंटे जो है यहाँ बैठ के हमें वो चीज़ नहीं मिली। तो भाईजान ने 22 साल से इस जगह पे स्टॉल लगाते हैं और मज़े मज़े के आपको खाने भी खिलाते हैं। सबसे इनके पास जो है फेमस है पराठा, साग, आलू वाला पराठा और मूली वाला पराठा। भाई कितना अर्सा हो गया आपको? 22-23 साल हो गए। 5 रुपये का। अच्छा 5 रुपये में। अच्छा कोई गरीब आदमी आ जाता है तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करते हैं? अच्छा लंगर दे देते हैं। तो भाई जान एक इनकी पॉजिटिव एक और बात है कि खुद भी एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पे आए अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं है तो हम उनसे पैसे भी नहीं लेते। शाम को जब आप लाहौर में निकलते हैं तो हर गली, हर मोहल्ले में और रोड पे आपको जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आपको जो है महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ खाना चाहिए। तो ये टकाटक की जो आवाज़ है इसको जो है सुन के ही मेरा ख्याल है कि आधे पैसे पूरे हो जाते हैं। और जैसे लक्ष्मी चौक पे आपने देखा होगा उसी किस्म का जो है सेटअप, ये दरोगे वाला एक चौक है, यहाँ पर भी एक छोटी सी फूड स्ट्रीट है, सड़क के उस पार भी काफ़ी जो है स्टॉल लगे हुए हैं और इस साइड पर भी बहुत स्टॉल है। इसी के पीछे भाई के पास एक गुड़ वाली चाय है जो सर्दियों में आपके जिस्म के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चीनी जो है उसका कम इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए वैसे ही बेहतर है। तो गुड़ वाली चाय जो देसी चाय है वो भी आपको इसी टकाटक के पीछे मिल सकती है। तो मैंने आपको जितने भी खाने दिखाए हैं सब में से फेमस जो है लाहौर में टकाटक और बट कढ़ाई और देसी मुर्गे की कढ़ाई, मटन कढ़ाई जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। ये जो है टकाटक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है क्योंकि इसका बनाने का स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट है। तो इसका जो है हमारे पीछे टकाटक तैयार हो रही है, खुशबू बहुत ज़्यादा बहुत मज़े की है और उससे और भी जो है ना आपको भूख जो है लगना शुरू हो जाती है। तो आपको मैंने दिखाया ये कैसे बन रहा है, अब इसमें मसाला जात भी जो है वो डालें तो आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या डाल रहे हैं। चुका है गर्मा गर्म, खुशबू तो बता रही है कि इसका जायका जो है वाकई कोई बहुत बड़ा जो है जायका है। तो टेस्ट करते हैं। पहली बाइट ने मुझे बताया है कि वाकई जो है कोई टकाटक बना हुआ है, मिसाले बिल्कुल मुनासिब हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाता, बिल्कुल परफेक्ट है, ना नमक ज़्यादा है ना मिर्चे, प्योर जो है मटन का आपको जायका आएगा। तो व्यूअर्स जो है टकाटक खाने के बाद भाई की गुड़ वाली चाय वो आपको खाने के बाद एक तो हाजमा ठीक करती है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इन्होंने अब गुड़ डाला है इसके अंदर, अदरक है और इलायची है ये उन्होंने डाल दी है, तो एक ज़बरदस्त जो है चाय का जायका जो है तैयार हो रहा है। काफ़ी कुछ खाया है तो उसके बाद ये गुड़ वाली चाय जो थी अब लाजिम हो चुकी थी ताकि हमारा हाजमा भी ठीक रहे। बहुत मुनासिब मीठा है
इलायची का एक डिफरेंट जो है उन्होंने स्टाइल से डाली थी, उसका जायका जो है गुड़ के साथ और मजीद बढ़ चुका है। दूध भी बहुत अच्छा है और मुकम्मल जो है चाय, अगर मैं बताऊँ आपको तो बहुत मज़ेदार चाय है। ये देखिए,